हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों, आशा कार्यकर्ताओं के अलावा कर्मचारियों के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार के फैसले से कुल 40,087 जनप्रतिनिधियों और कर्मियों को वित्तीय लाभ मिलेगा। प्रदेश के पंचायती राज प्रतिनिधियों के मानदेय में 1 अप्रैल 2019 से 1,500 रुपए प्रति माह वृद्धि की गई है और इस फैसले से कुल 28,723 जनप्रतिनिधियों को लाभ मिलेगा। जिला परिषद अध्यक्ष का मानदेय 11,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है। उपाध्यक्ष का मानदेय 7,500 से बढ़ाकर 8,000 कर दिया गया है और इसी तरह पंचायत समिति अध्यक्ष का मानदेय 6,500 से 7,000, उपाध्यक्ष का 4,500 से 5,000, सदस्यों का मानदेय जो है 4,000 से 4,500 किया गया है। और आपको ये भी बता दें, पंचायत प्रधान का मानदेय 4,000 से 4,500, उप प्रधान का 2,500 से 3,000 और इस तरीके से जो है बदलाव किए गए हैं और महीने में 2 बैठकों के लिए ही भुगतान करना होगा। तो जयराम कैबिनेट की अहम बैठक हुई बिलासपुर के झंडुत्ता में। सिविल न्यायाधीश की अदालत स्थापित करने को मंजूरी मिली है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में सहायक प्रोफेसरों को लेकर भी फैसला किया गया है। विभिन्न विभागों में नियमित रूप से पद भरे जाएंगे। ये तमाम फैसले जो है जयराम कैबिनेट में हुए हैं।